पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टुकड़ियों के साथ हुई भारतीय सेना के हिंसक झड़प में शहीद हुए अधिकारियों और सैनिकों में बिहार के समस्तीपुर का भी एक लाल था। यहाँ के मोहिद्दीन नगर प्रखंड के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले अमन कुमार सिंह चीनी सैनिकों के साथ हुए झड़प में शहीद हो गए। वो बिहार रेजिमेंट में तैनात थे। सुल्तानपुर निवासी शहीद अमन कुमार की आज पहली पुण्यतिथि है। आज ही के दिन पुत्र की शहादत की खबर अमन के पिता सुधीर सिंह को मोबाइल पर मिली थी। आज पूरा इलाका अपने सपूत अमन की यादों में गम का आंसू बहा रहा है, लेकिन गौरवान्वित होकर उसे श्रद्धांजलि भी दे रहा है। गलवान के बलवान शहीद अमन की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर लोगों में देशभक्ति का जज्बा दिखा। यहाँ भारत माँ के उद्घोष के साथ शहीद अमन तुम अमर रहो के जयकारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो उठा। हर आंखें नम थी। अमन के परिवार वाले दरवाजे पर भगवान की मूर्त की तरह उसकी तस्वीर सजाकर पूजा करते हैं। ये कोई भी सैनिक जो होता है या देश का किसी भी देश का सेना जो होता है वो देश के लिए भगवान होता है, वह एक रक्षक भगवान होता है। और जहाँ तक रही शहीद अमन जी के बारे में, तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, चूँकि मैंने उनको पढ़ाया था कुछ दिनों तक जब उनकी क्लास ये ट्रेनिंग इसके लिए तैयारी कर रहे थे ये फौज जाने के लिए। तो व्यवहार से बहुत ही कुशल और सुंदर लड़का थे, समाज में उनकी बहुत ही अच्छी छवि थी। और परिवार के जहाँ तक हमें जानकारी है, परिवार को लेकर चलने वाली एक व्यक्ति थी जो इनके परिवार इन्हीं पर पूरे डिपेंडेंट है। अमन जी देश के लिए शहीद हुए हैं, अब ये इनके अपने परिवार के नहीं पूरे देश के लड़का हैं। और पूरे ग्रामीण को लेके हम बगल के गांव के हैं, मेरा गांव नंदगुलवा पड़ता है। और ये गांव का ही नहीं पूरे क्षेत्र का ये पड़ता है कि अमन जी के परिवार के हैं। साल में एक बार मैं मांग करता हूँ कि जिस तरह से लोग होली दीपावली गर्मी छुट्टी में आते हैं, इसी तरह मैं आपके माननीय चैनल से माध्यम से मांग करता हूँ कि एक बार आकर अमन जी के यहाँ साल में लोग आकर इनसे मिले क्षेत्र के लोगों से, ताकि इनको भी लगे कि मैंने अपने बेटे को जो शहीद किया है यह अपने देश के लिए किया, और ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं इनसे आके मिले, ताकि इनकी वो जो शहीद इनके बेटा जो हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। कुछ ऐसी क्षति होती है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनको लगे कि हाँ बेटा मेरा देश के लिए शहीद हुआ। और सबसे बड़ा चीज़ मैं बता देता हूँ कि कोई भी देश में शहीद हो जाना और उनके पिता मीडिया के सामने कभी नहीं देखे होंगे कि आँख में आंसू आना, तो बहुत गौरवान्वित होता हूँ मैं कि अपने देश के कोई भी पिता मीडिया के सामने आज तक आँख में आंसू आया, उन्होंने डट का सामना किया है। जिस तरह उनके पुत्र सीमा पर डट के सामना करते हैं, इसी तरह वो मीडिया के सामने डट का सामना करते हैं। इसी के साथ में आपको विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। शहीद अमन के पिता सुधीर कुमार सिंह उस वक्त को याद करते हुए आज भी भावुक हो उठते हैं। अमन की शहादत पर उन्हें गर्व है, उनके पूरे खानदान का नाम ऊंचा किया है, लेकिन उनके अंदर एक कसक भी दिखती है। सुधीर सिंह कहते हैं कि वो पूरे परिवार का कर्ता धरता था। शहादत के बाद केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कई तरह की मदद का ऐलान किया गया, जिसमें सभी सरकारी ऐलान पूरे हो गए। शहीद अमन की पत्नी को मोहिद्दीन नगर प्रखंड कार्यालय में बतौर लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया है। शहीद अमन लद्दाख चीन सीमा पर शहीद हुआ देश के लिए, उसके कारनामा पर तो हमें बहुत गर्व है, लेकिन हमारे परिवार का संचालक वही लड़का था। और आज देश के लिए वो शहीद हो गया, तो गर्व तो जरूर है उसके लिए, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से जो हमें कहा गया है, कुछ सुविधा मिला है कुछ सुविधा नहीं मिला है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और हम क्या कहें इस पर विशेष, शहीद अमन कुमार तो हमारे खानदान का बहुत बड़ा अच्छा और होनहार बालक निकला, जो आज खानदान का सर ऊंचा कर दिया। खानदान का क्या, गांव का, घर का, जिला का, थाना का, सबका सर उठा दिया, इस पर तो हमें बहुत गर्व है। लेकिन अब जो हमें क्षति हुआ वो थोड़े हमें पूरा होने वाला है, लेकिन जो थोड़ा बहुत काम गवर्नमेंट बोला है उसे हमें पूरा हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। अब एक सड़क है आज तक पूरा नहीं हुआ, जिस पर कि नित्यानंद राय मंत्री जी पैसा आवंटन किए हैं,
उसके बाद भी डीएम साहब, सीओ साहब सब बोले काम हो जाएगा, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं हुआ। साल लगने वाला है, अब आगे क्या होगा नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते। और तो हमारा बेटा है तो उस पर तो गर्व है ही, तो देश के लिए शहीद हो गया। वीर सपूत की शौर्य गाथा का कायल पूरा देश है, गर्व है पूरे जिला वासियों का कि गंगा के पवित्र तट सुल्तानपुर में जन्मा उसका लाल अमन गलवान घाटी में दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दाव पर लगा दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।